हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल जांगिट। मैं पंकज जांगिट आपका शो पे स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जो हम HDFC बैंक से जंबो लोन इंस्टा लोन लेते हैं, जो क्रेडिट कार्ड पे लेते हैं, तो उसको हम बंद कैसे करा सकते हैं। मेरे पास दोस्तों बहुत से कमेंट आए कि इंस्टा लोन को हम बंद कैसे कर सकते हैं, हमें ब्रांच में जाना पड़ेगा या हम घर बैठे बंद कर सकते हैं। आज दोस्तों इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, कितना चार्जेज आपको देना पड़ेगा जो फोरक्लोज अगर आप कराते हैं तो। सो वीडियो के साथ बने रहिए, मैं पंकज जांगिड़ और आप देख रहे हैं टेक्निकल जांगिड़। सो चलिए शुरू करते हैं। Everything changes. सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जंबो लोन इंस्टा लोन होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, HDFC बैंक आपको, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको दो टाइप के लोन प्रोवाइड करती है, एक होता है इंस्टा लोन, एक होता है जंबो लोन। इंस्टा लोन के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो आपकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपकी लिमिट 1,00,000 रुपए की है तो आपको 50,000 रुपए, 40,000, 60,000, 80,000, कोई भी आपको एक इंस्टा लोन का अमाउंट आपको लोन के द्वारा आप ले सकते हैं, यानी उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं और उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है जो 15% से लेकर 24% के बीच में हो सकता है। नॉर्मली इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो 20% के अप्रोक्सीमेटली रहता है। और जो जंबो लोन होता है वो अनसिक्योर लोन होता है, इसके अंदर आपकी लिमिट को नहीं रोका जाता है, आपकी जितनी लिमिट है उसको उतनी ही रहने दी जाती है और आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। जो ये भी अनसिक्योर लोन है तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अप्रोक्सीमेटली 20-24% के बीच में रहती है। अगर आपने ये ले रखा है और आप इसे बंद करवाना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने लोन लिया है तो 6 महीने तक आप इसे बंद नहीं करवा सकते हैं। अगर आप 6 महीने के बाद इसे फोरक्लोज कराते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, आप इसे किसी भी बैंक के अंदर जाके बंद नहीं करवा सकते, आपको आपके मोबाइल के द्वारा कस्टमर केयर से बात करके इसे फोरक्लोज करवाना होगा। फोरक्लोज करवाने का क्या प्रोसेस है दोस्तों, सबसे पहले आपको कस्टमर केयर को कॉल करना होगा। आपके कस्टमर केयर की जो लिस्ट है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करूंगा, जहां से आपको आपके हर जगह की, नॉर्मली इंडिया के अंदर जितने भी कस्टमर केयर सर्विस है HDFC के, उन सभी की फ़ोन बैंकिंग नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जब आप कॉल करते हैं, सबसे पहले आपको लैंग्वेज को चूज करना है, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड जो 3 नंबर पर है उसको चूज करना है। उसके बाद कस्टमर केयर से बात करने के लिए आपको 1 नंबर का चूज करना है, जिसके अंदर दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देखने के लिए वो पूछेगा, तो आपको 1 नंबर डायल करना है। 1 नंबर डायल करने के बाद दोस्तों आपको आपका क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने होंगे, उसके बाद वो पासवर्ड का बोलेगा तो आपको पासवर्ड एंटर करना है, या OTP के द्वारा भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कस्टमर केयर से बात करा दी जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं फोरक्लोज चार्जेज की, फोरक्लोज चार्ज क्या लगने वाले हैं। मान लीजिए आपका 1,00,000 का लोन था, आपने 6 महीने EMI पे की और आपका जो आउटस्टैंडिंग 60,000 के अप्रोक्सीमेटली रह गया, वो कुछ भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी EMI आपने कितनी कन्वर्ट की थी। उसके बाद जो आपका आउटस्टैंडिंग जैसे 60,000 रुपये बच जाता है तो उस पर 3% का आपका चार्ज लगेगा, फोरक्लोज चार्ज। 3% जैसे 1,800 रुपये हो गए, तो यानी 60,000 + 1,800। उसके बाद आपके 1 महीने का इंटरेस्ट, यानी आपने 6 महीने EMI पे किए तो 7वें महीने का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी आपको इसके अंदर काउंट करना होगा, जो इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 500 या 700 करीब जो रहता है वो आप देख सकते हैं। जैसे आप दोस्तों HDFC नेट बैंकिंग को ओपन कर लेते हैं, कार्ड के अंदर आपको लोन डिटेल्स के अंदर आप देख सकते हैं आपका उस मंथ का इंटरेस्ट कितना है, वो इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट का 18% GST आपको पे करना होगा, यानी टोटल आपको 60,000 रुपये, जैसे ये हो गए 60,000 का 3%, 1,800 रुपये वो हो गया है, तो यानी ये हो गया है 61,800 रुपये। उसके बाद जैसे 1 महीने का आपका इंटरेस्ट 700 रुपये रहा होगा, 700 + 18%, अगर 700 का हम 18% काउंट करते हैं तो 126 रुपये का अप्रोक्सीमेटली आपका GST हो गया, 700 रुपये इंटरेस्ट हो गया, प्लस 60,000 आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, उसके बाद 1,800 रुपये आपका फोरक्लोज चार्ज हो गया, तो टोटल आपको 62,626 रुपये पे करने पड़ेंगे उसको फोरक्लोज कराने के लिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप काउंट कर सकते हैं आपका आउटस्टैंडिंग, आप क्रेडिट कार्ड सेक्शन के अंदर जाके, लोन डिटेल्स के अंदर जाके आप देख सकते हैं आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, आप खुद भी काउंट कर सकते हैं आपका फोरक्लोज चार्ज कितना रहेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है अगर हम EMI पे कर रहे हैं तो इतना कर रहे हैं, फोरक्लोज में इतना रह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आपको फ़ायदा है या नहीं है।
तब आप उसको फोरक्लोज करवा सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं HDFC के अंदर हमने फोरक्लोज करवा दिया है उसके बाद पेमेंट हमें कैसे करनी है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड का नॉर्मली पेमेंट हम कार्ड सेक्शन के अंदर जाके क्रेडिट कार्ड पेमेंट के अंदर करते हैं, उसी तरह आपको पेमेंट करनी है वो जो आपको फोरक्लोज अमाउंट बताएंगे। आपको कार्ड सेक्शन के अंदर जाना है, आपको कार्ड को सेलेक्ट करना है, कार्ड सेलेक्ट करने के बाद उतना अमाउंट वहाँ पे करना है, वो वहाँ पे लिखा नहीं आएगा, आपको खुद को दूसरी जगह जब क्रेडिट जो कस्टमर के बताएंगे तब लिख लेना है और उतना अमाउंट आपको पे कर देना है। पे करने के बाद आपके जो लोन है वो फोरक्लोज पूरी तरह हो जाएगा। सो ये सिस्टम होता है दोस्तों इंस्टा लोन और जंबो लोन को फोरक्लोज कराने का। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप आगे मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे फाइनेंस के रिगार्डिंग वीडियो डे टू डे लाते रहते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।